शांति ओम शांति ओम शांति। जब विधि आत्मा अतीन्द्र सुख का अनुभव कर सकता, कोई इंद्रियों का वश, कोई इंद्रियों का जीव रस उसको खींचता नहीं, तभी ही आत्मा को अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है। वो सुख केवल खुदा से आत्मा अनुभव कर सकता। तो बोलिए, आप किसी ने बोला बहुत अच्छी शरत है, एक चोर ने एक टेंपल में जाकर के भगवान से सौदा करता है, हे भगवान आज मैं 1,00,000 रुपया चोरी करूंगा तो 10,000 तेरा दान पेटी में डालूंगा, तो हम दोनों का भी क्या हो गया, दोनों को क्या हो गया, कमीशन बिजनेस। तो भगवान से भी क्या नहीं कर सकते, कमीशन बिजनेस करते। कहने का भाव है कर्म छोड़ता, हमसे बाबा अलग हो जाते हैं, है या नहीं? सत्युग में बाबा आते हैं, आता है, अगर बुलाएंगे तो आता है, अब बुलाएंगे नहीं वो आता नहीं, बाबा हमसे अलग हो जाता है, शरीर के संबंध हमसे अलग हो जाता है। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं हम सभी एक दूसरे अलग हो जाते हैं, इस रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा साथ आता है कि एक कर्म। सबसे बड़ा मित्र कौन है? एक कर्मों का ज्ञाता बनाने वाला ज्ञान सागर कौन है? कर्मों का विदाता, उसको कहते हैं भाग्य विदाता। कर्म से भाग्य बनता है, हमको केवल कर्म के बातें नहीं भाग्य का बाता बाबा सुनाता है। लोग भाग्य बनाने के लिए कितना सर्कस करते हैं, ये पूजा करो, ये व्रत रखो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, इसके पास जाकर के ग्रहचारी उतारो, उसके पास। बाबा से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में कर्म के विधाता नहीं, सभी पिछले कर्मों के बारे में ही बोलता है। संस्कार परिवर्तन करने का जादू कोई नहीं कर सकता है, कर्म बदलना है तो हमसे बदलना है। ये हाथ पाँव के रेखा से कोई कर्म नहीं बदलता है भैया, ये समझो सभी। हम आत्माओं के कर्म विदाता से इस दुनिया में कर्म का श्रेष्ठ कर्मों का बीज